जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया की कर दी पिटाई। राजेश खन्ना काफी मूडी किस्म के आदमी थे। वो स्वभाव से काफी इंट्रोवर्ट थे और उन्हें लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वो घर में अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया से भी ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते थे। खासकर जब काका के बुरे दौर शुरू हुए तो घर में घमासान शुरू हो गया। डिंपल की इस किचकिच से परेशान काका ने एक दिन डिंपल को जोरदार चांटा रसीद कर दिया। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। काका की खुशियों को भी समय की नजर लग गई और जिंदगी ने अचानक पलटा मांच दिया और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी होने लगी। एक के बाद एक बार है फिल्मों की असफलता ने काका को तोड़कर रख दिया। निराश काका ने खुद को 14 महीनों तक दीवारों के बीच कैद कर लिया था। डिंपल कपाड़िया चाहती थी कि राजेश उनके साथ समय गुजारे, लेकिन काका तो जैसे जिंदगी से रूठ ही गए थे। उन्हें न किसी से बात करना पसंद था और न ही किसी से मिलना। शराब, पार्टी और फ्लॉप फिल्मों ने काका की जिंदगी का रुख मोड़ दिया था। एक के बाद एक सिगरेट को अपने मुंह से लगाते काका की जिंदगी जहर बनती जा रही थी। वह गहरी सोच में डूबे रहते थे। शादी के बाद डिंपल उनके जीवन में आ तो गई थी, लेकिन दिल अभी भी बराबरी पर नहीं मिला था। डिंपल काका का इंतजार करती थी। वे उनसे बातें करना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच केवल सिगरेट का उड़ता हुआ धुआं नजर आता था। जब काका अपनी आखिरी सिगरेट को एश्ट्रे में बुझाते थे तो डिंपल को लगता था कि काका अब कुछ बोलेंगे, लेकिन वह बस इतना ही पूछते थे, बच्चों ने आज क्या किया। यह दौर ऐसा था जब गिरते हुए करियर ग्राफ और शादी का बोझ काका पर भारी पड़ने लगा था। डिंपल और काका के झगड़े होने लगे थे। एक दिन गुस्से में काका ने डिंपल की पिटाई कर दी। नाराज डिंपल ने काका का घर छोड़ दिया और अपने पापा के पास रहने चली गई। जब बाद में काका का गुस्सा शांत हुआ तो वो डिंपल को मनाने उनके मायके पहुंचे और डिंपल भी अपनी नाराजगी छोड़ उनके साथ वापस आ गई।